302 सर, जरा इधर आओ। क्या सर? ये कौन है? सर पार्क में लव स्टोरी चल रही थी, हाँ। इसे लेके आया हूं। ओ, ऐसी बात है क्या? ए, जरा इधर आ। हेलो अंकल। क्या, चल बैठ जा। कोई बात नहीं। अरे घबरा मत, बैठ जा। कौन थी वो लड़की? वो मेरी लवर है सर। अरे ये तो मैं भी जानता हूँ। अरे मैं भी कभी तुम्हारी उम्र का था। आपके जाने के बाद भी मुझे यहाँ क्यों लाए हो सर? अरे ये इंडिया है, इसलिए लाए हैं। अब मुझे बताओ, तुम लोगों की अभी पढ़ने लिखने की उम्र है और तुम लोग लव ऑफ के चक्कर में पड़ जाते हो, फिल्में देखकर खुद को हीरो समझने लगते हो। अरे भाई ये प्यार वगैरह फिल्मों में ही देखने में अच्छा लगता है, पब्लिक डायलॉग सुनती है और सीटी बजाती है। तुम जैसे लोग सीरियस हो जाते हैं और प्यार कर बैठते हैं। कहीं वो लड़की किसी दूसरे से दिल लगा बैठी तो तुम्हारा वन साइड लव हो जाएगा, और ऐसे में जब तुम सुसाइड करोगे उस वक्त हमें मौके पर पहुँच कर केस फाइल करने के लिए आना पड़ेगा। उतना सीन नहीं है सर, वो लड़की मुझसे प्यार करती है। दिमाग खराब मत कर, चुपचाप बैठ। हेलो। हेलो उषा जी, बोल रही हैं? जी बोल रही हूँ, आप कौन? मैं जयनगर पुलिस स्टेशन से CI नारायण बात कर रहा हूँ। आज पार्क में आप एक लड़के से मिली थी। अगर आप कहती हैं तो मैं उसे छोड़ देता हूँ, नहीं तो FIR फाइल करने जा रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए सर, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। वो यहाँ से जाने की हालत में नहीं है, मैंने उसकी अच्छी तरह धुलाई की है। किसी को उसे यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। ओह नो, अब क्या होगा? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, डोर लॉक बोल रहा है। मैं आप ही देख लो ना, मैं वहाँ गया था पर ये वो क्या है सर? आपने इसे इतनी बुरी तरह मारा? ओ तो आप हैं वो। जब हवलदार ने आपसे इसके बारे में पूछा तो आपने कहा मैं इसे जानती ही नहीं। मुझे क्या पता था कि आप इसे मारेंगे। ओहो, आपने सोचा था कि हम इसकी अच्छी तरह से सेवा करने वाले हैं? खातिरदारी हो गई, बात करती है, ले जाओ इसे। अरे यार इन लोगों का प्यार भी ना। JK कब आएगा? कल आएगा बोल रहा था। इसका कुछ करना ही पड़ेगा। नमस्ते साहब। ओ नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। हाँ, ठीक नमस्ते। है, बैठो। नमस्ते। कोई खास बात जो यहाँ तक आना पड़ा? ज्यादा कुछ नहीं, अभी जो यहाँ से गया है उसका क्या केस है? क्या बताऊँ मैं, बड़ी अजीब सी कहानी है। शाम को पार्क में लड़की ने बताया कि एक लड़का उसे परेशान कर रहा है, और जब हम लड़के को यहाँ लाए और उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो लड़की मुझसे प्यार करती है, प्रूफ कर सकता हूँ। मैंने उससे कहा कैसे कर सकते हो, प्रूफ करके जरा दिखाओ, तो उसने कहा सर आप एक काम कीजिए, मुझे बहुत मारिए सर। हम ऐसे किसी को बिना कारण नहीं मार सकते। भगवान के लिए मुझे मारिए सर। तुम ये सोचते हो कि पुलिस स्टेशन में आने वाले की सबकी धुलाई की जाती है? देखो किस केस में किसको मारना है और किसे नहीं मारना है हम अच्छी तरह जानते हैं। अभी आप मुझे मारेंगे या फिर मैं आपको मारूं? अबे क्या कहा तूने, तू मुझे मारेगा? अभी मेरी लवर को फोन कीजिए सर, और फोन करके उससे पूछिए कि मुझे छोड़ना है या फिर FIR फाइल करनी है। और आपने मुझे बहुत मारा है ये भी उससे कहना, तभी पता चलेगा कि वो मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती। आपने मुझे मारा है सर। जब मैंने उसे फोन किया तो वो लड़की यहाँ आई और मुझे सारी फिलोसॉफी समझाकर उसे यहाँ से ले गई। दादी। मुझे क्या? मुझे प्यार हो गया है। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची। आप जानती हैं? किसने कहा आपसे? अरे अरे कौन कहेगा, मुझे तेरी आंखों में दिख रहा है कि तू किससे प्यार करती है, और वो लड़का भी तुझसे बहुत प्यार करता है। दादी वो लड़का कौन है आप ये भी जानती हैं?
उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है मैंने, वो है रॉकी। डिंग डिंग डिंग। दादी को उसकी आंखों में प्यार दिख रहा है, पर वो मुझे क्यों नहीं दिख रहा? या फिर मैं ही उसकी आंखों को ठीक से पढ़ नहीं पा रही? आपके घर में लड़की देने से भला कौन मना करेगा सर? आपके घर में भला किसी चीज की कमी है क्या? रुपए पैसे धन दौलत कहीं किसी चीज की कोई कमी नहीं। आप मुझे बताइए कौन है वो लड़की, मैं बात करता हूँ ना। किसी से बात करने की जरूरत नहीं, आपको ही मानना है। मेरा भाई एक लड़की से बहुत प्यार करता है, आपकी बेटी से। मेरी बेटी आपके घर की बहू बनेगी? शादी होते ही ये दोनों फौरन चले जाएंगे, उसके बाद हमारा सारा बिजनेस अब यही संभालेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे ये रानी महारानी की तरह रखेगा। खुशी हुई सर, जिंदगी में वो कहीं भी रहे, मैं तो बस उसे हमेशा खुशी से रहते हुए देखना चाहता हूँ। अब इस शुभ काम को जल्द से जल्द पूरा कीजिए। हम भी बहुत खुश हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। उषा, मेरे म्यूजिक के लिए पागल होकर कितनी लड़कियां मुझे आई लव यू बोलती रहती हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम्हें देखा है मैंने, मैं चैन से सो भी नहीं पा रहा हूं। आई लव यू उषा, आई लव यू सो मच। उषा, मेरे भाई और तुम्हारे पिताजी मुझे पता है कि इस रिश्ते से बहुत ही खुश होंगे। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन टूडे उषा, मैं बहुत खुश हूं। मेरी लवर किसी और के साथ घूम रही है जानकर चुप रहने वाला इंसान नहीं हूं मैं उषा। मैं तुमसे प्यार करता हूं ये जानकर तुम्हारे पीछे पीछे 24 घंटे घूमने वाला वो रॉकी, उसकी फ्रेंडशिप तुम छोड़ दो, हमारे बीच उसकी जरूरत नहीं है उषा। ये बात उसे तुम्हें समझानी होगी। फैमिली आज तक कोई भी आईएएस ऑफिसर नहीं बना, मैं अपने बेटे को यही बनाना चाहती हूँ। ए फूल, मैं अपने बेटे को मिनिस्टर बनाना चाहता हूँ। रॉकी क्या बनना चाहता है ये आप दोनों ने कभी उससे पूछा है? देखिए अब इसमें उससे पूछने की क्या जरूरत है हमें? पढ़ाई वो करता है, एग्जाम वो देता है, कॉलेज वो जाता है, तो उसे क्या बनना है क्या नहीं ये भी तो उसे ही तय करने देना चाहिए। मेरे दो बेटे थे, पहले बेटे के साथ आप जैसा ही बर्ताव करती थी, इसलिए मैंने उसे खो दिया। उसे खोने के बाद मेरी आंखें खुली, और आपका तो एक ही बेटा है। उसकी इच्छा पूरी कीजिए, उसके साथ जबरदस्ती मत कीजिए, स्ट्रिक्ट रहना अच्छी बात है लेकिन उसे इग्नोर मत करिए। हम दोनों अपने बेटे को नेगलेक्ट करते हैं ये आपको कैसे पता चला? हम अपने बेटे को महीने में कितना खर्चा देते हैं ये आप जानती हैं क्या? एक बच्चे को एक माँ पालती है और दाई पालती है, दोनों में बहुत फर्क होता है। आप अपने बेटे को पैसे देते हैं, वो दाई उससे खर्च करवाती है, आप उसके लिए बाई रखते हैं ना, यही तो उसे इग्नोर करना है। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आजकल तो मुझसे मिलते नहीं, क्या बात है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन मैं प्यार करता हूँ। मैंने जो तुमसे पहले कहा वही सच है। ऐसा तुम क्यों कह रही हो? बोल दो उषा, इस रोमियो को सब कुछ बता दो कि हम दोनों के घर वालों ने मिलकर
हमारी शादी तय कर दी है, बता दो इसे भी। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। आपका बेटा आपको मार्कशीट दिखाने के लिए आपके पास आया था, लेकिन आप लोगों ने देखा ही नहीं। आपको देखना चाहिए था सर, आप देखते तो उसे बहुत खुशी होती, क्योंकि वो अपने पूरे कॉलेज में सेमेस्टर में फर्स्ट आया था। आज रॉकी के कॉलेज में एक ड्रामा है, आप लोग जानते हैं, इस बारे में कुछ पता है? इस वक्त आप लोगों को वहां जाकर उसे सरप्राइज देना चाहिए। मैं जानती हूँ ये मैं कहने वाली कोई नहीं होती, बेचारे आप लोगों को जरूर किसी जरूरी मीटिंग में जाना होगा, मुझे पता है। आपके बेटे को इस घर में प्यार बिल्कुल भी नहीं मिला, मैं बस आप लोगों को यही बताना चाहती थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी औरत है जो हमें समझा रही है, मेरा भी एक बेटा है इसलिए मैं ये बात समझती हूँ। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मैं माफी मांगती हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम परवाह नहीं करोगी ना? उषा चलो यहाँ से, चलो जल्दी। विशु, विशु छोड़ो मुझे, विशु छोड़ो, रॉकी हमारे लिए ही लड़ रहा है। अगर मैं यहाँ रहा तो ये मुझे मार डालेंगे, चलो जल्दी। चलो नहीं। छोड़ो, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए, चलो चलो छोड़ो से। चलो चलो। हमारे कॉलेज को इस साल पूरे 25 साल पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं। उसके लिए बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे हैं। सबसे पहले कार्यक्रम पेश करने आ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट गिरी, मिमिक्री शो लेकर। कुछ देखने के लिए दिनेश नाम का एक लड़का सिटी मॉल में गया, जहां पर उसकी मुलाकात हुई जानी नाम के एक शख्स से। जानी क्या हो रहा है? हम राजकुमार थे, राजकुमार हैं और राजकुमार रहेंगे। ओ, मैंने कब कहा आप नहीं है, मैं तो पैराशूट बेचता हूँ। पैराशूट बेचते हो, इससे क्या होगा? जब आप एरोप्लेन में बैठोगे अगर उसमें कोई गड़बड़ी हुई तो इस पैराशूट को लेकर आप जंप कर सकते हो, फिर आप सेफ लैंड हो जाओगे। हाँ? अगर सेफ लैंड नहीं हुए तो बताओ फिर क्या करोगे तुम? नो प्रॉब्लम, आप लोग मेरे पास आइएगा, नया दे दूंगा। अरे यार रॉकी का है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अरे टेंशन मत ले, फोन लगा जल्दी से। हैं? क्या हुआ? नॉट रीचेबल। ओ तेरी। उषा कहाँ है? मेकअप रूम में है। मैं उससे पूछता हूँ। उषा तुम इतने लेट से क्यों आई? तैयार होने में तो टाइम लगेगा ना, टाइम की कोई कीमत नहीं है क्या? अच्छा छोड़ो, रॉकी कहाँ है? ठीक है तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं रॉकी को फोन करता हूँ, पता नहीं क्यों देर कर रहा है वो भी। नॉट रीचेबल, उस पे विश्वास करके गलती की। लो पकड़ो इसे, अब हम लोग ये शो नहीं कर पाएंगे। चंदू ये कॉलेज की प्रेस्टीज का सवाल है यार, ये शो करना ही पड़ेगा। देख तूने इसके सारे डायलॉग पढ़े हैं यार, तू इस कैरेक्टर को निभा ले यार प्लीज। ये सोडा कैसी बात कर रहा है यार, परफॉर्म करने के लिए रिहर्सल की जरूरत होती, मैंने रिहर्सल कहाँ की है, ये कैसे कर पाऊंगा मैं?
मुझसे नहीं हाँ, होगा। हाँ जाने दे कॉलेज की इज्जत मिट्टी में मिल जाने दे, कोई बात नहीं। हाँ जाने दे। अरे तू मुझे समझ क्यों नहीं रहा यार? सुनो चंदू, तू चिंता मत कर, वो कैरेक्टर मैं करता हूँ, जितने डायलॉग्स मैं जानता हूँ उसमें मैनेज कर लूंगा, अपने कॉलेज का मान रखूंगा मैं। वेरी गुड, जा 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 कॉस्ट्यूम पहन, जल्दी जा। ओके ओके, चल 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 रेडी हो जा। कुछ ही देर में आप लोगों का इंतजार खत्म हो जाएगा। मैरी और थॉमस का नाटक फर्स्ट ईयर बीएससी स्टूडेंट लेकर आ रहे हैं। भाई उषा, भाई उषा। महारानी के चेहरे पर खुशी इस समय क्यों नहीं झलक रही? आखिर इसका कारण क्या है? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तू समझ गया डायलॉग से बोलना? देख भाई, बी कॉन्फिडेंट, आग लगा दे आग। ओके, ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, जा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हे, स्पॉटलाइट ऑन करो। सच, आशा, प्यार, इंसान अपने अंदर छुपा कर रखे तो वो जहर बन जाता है, ज्यादा दिन उसे पाल कर रखो तो वो हमें मार डालेगा। और मैं मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूं। ये प्यार हो जाए तो इंसान बेचैन रहता है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती, क्यों आए हो तुम यहाँ? अच्छा बोला तुमने, प्यार में पढ़ने वाले को तुम दिमाग दे रही हो, प्यार में पागल है उसे समझा रही हो। मैंने जिस लड़की से प्यार किया उसके लिए दूसरे लड़के को लाया, दोस्ती करवाई, प्यार भी करवाया, दोनों का प्यार सक्सेसफुल हो जाए इसलिए मदद भी की। पता नहीं कितना बड़ा पागल हूं मैं, लेकिन तुम भी पागल हो, तुम भी पागल हो। प्यार और दोस्ती में फर्क नहीं जानने वाली पागल, एक नंबर की पागल हो तुम। है? ये क्या डायलॉग बोल रहा है? ये डायलॉग तो हमारे स्क्रिप्ट में था ही नहीं यार। चंदू, ये स्क्रिप्ट के डायलॉग है यार, लेकिन आज जो वो बोल रहा है अपने दिल से बोल रहा है, बोलने दे उसे, बोलने दे। अच्छा, जो फ्रेंड्स है वो कभी प्यार नहीं कर सकते, ये बात गलत है क्या? तुम्हारे हिसाब से लव क्या है बताओ? 6 महीने का कोर्स करके, फिर फोर्स करके, फिर तुमसे प्यार करना चाहिए था, ये प्यार होता है? प्यार अपने आप होना चाहिए और अपने आप को ही समझ में आना चाहिए, वही वही है सच्चा प्यार। प्यार के लिए मर जाओ, प्यार के लिए जानवर की तरह पीछे पड़ो, प्यार के लिए तड़पो, प्यार के लिए पागल बनना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी आंखों में प्यार देखने के बाद भी हाथ बांधकर चुपचाप खड़े रहना है, मेरी मां की कसम मुझे यह पता नहीं था। बस एक ही बार आई लव यू कहकर बहुत से लोग लवर्स बन जाते हैं, और मैंने तुम्हें 100 बार आई लव यू कहने के बाद भी तुम उसे ड्रामा डायलॉग समझकर और फील करो ऐसा कहती रही, लेकिन तुम मेरे अंदर के सच्चे फील को समझ ही नहीं पा रही हो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, इस ड्रामा स्टेज पर खड़े रहकर मैं अपनी सच्ची फीलिंग बता रहा हूं, इसके लिए मुझे हंसना है या रोना है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हर दिन मेरे प्यार को तुम समझ नहीं पा रही हो, ये गिल्टी तुम्हें नहीं होनी चाहिए बता रहा हूं। इसलिए मैं एक ही बार दिल से, अपने दिल से आई लव यू बोल देता हूं, तुम में वो फील है या नहीं वो अच्छी तरह से समझ लो। I love you. Oh.
आई लव यू ऐसा नहीं, और थोड़ा उसमें फील होना चाहिए। Ha 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 ha!